आप लोगों में से अक्सर ने तुर्की के किसी 100 साल पुराने मादे का जिक्र जरूर सुना होगा। इस मादे का नाम लोजान का मादा है। इस मादे का पसे मंजर क्या है, ये मादा क्यों कर किया गया, इसकी कौन कौन सी शरायत थी, इस मादे में तुर्की पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गईं, इस मादे के तहत तुर्की यानी खिलाफत इस्मानिया ने कौन कौन से ममालिक पर अपना कब्जा खोया और मौजूदा तुर्की बना, और इस मादे के खत्म होने पर तुर्की क्या कुछ कर सकता है, क्या तुर्की को सरजमीन पाक मक्का मुकरमा और मदीना मनवरा वापस मिल सकते हैं या नहीं, इस सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो से आज आपको बहुत सी अहम मालूमात मिलने वाली हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको दिलचस्प और अहम मालूमात मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मादे के पसे मंजर की। पहली जंग अजीम के बाद यूरोप, एशिया और अफ्रीका में जंग की वजह से चार सल्तनतें टूट गईं, पुराने ममालक खत्म हो गए, नए मुल्क बने, सरहदें अरसे नौ तश्कील दी गईं, बैन अल-अक़वामी तंजीमें कायम हुई। पहली जंग अजीम ने तनाजात में शामिल ज्यादातर अहम ममालक में सियासी तब्दीली लाने का काम भी किया। तारीख में पहली बार राय दही के जरिए इन ममालक को बादशाही निजाम से इंतखाबी जमहूरियतों में तब्दील किया, जैसा कि जर्मनी में 1919, बरतानिया में 1918 और तुर्की में 1923 को जमहूरी हुकूमतें कायम हुई। लोजान का माहदा एक अमन माहदा था जिस पर 1922-23 की लोजान कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हुई थी, और 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के एक होटल पैलेस डी रोमेन में दस्तखत किए गए थे। इस माहदे ने बाजाबता तौर पर सल्तनत उस्मानिया और इसके इतिहादी ममालक जिनमें फ्रांस, बरतानवी सल्तनत, इटली, जापान, यूनान और रोमानिया के दरमियान पहली जंग अजीम के आगाज से बाद मौजूद तनाजियात को तय किया गया। तुर्की ने इस जंग में क्या कुछ खोया, कौन कौन से इलाकों पर अपना कब्जा खत्म कर दिया। तुर्की ने लीबिया, कब्रस, मिस्र, सूडान, शाम, इराक और इराक के जनूब में जजीरा नमा अरब के इलाके, यमन की मतवक्कल सल्तनत, असीर और हुजाज के कुछ हिस्से जिनमें मदीना और मक्का के शहर शामिल थे, इन पर भी अपना कब्जा खत्म कर दिया। इसके अलावा लोजान के मादे के तहत दफात को बाजाबता तौर पर तस्लीम करते हुए ब्रिया डेनब में वाकया जजीरा अटकले को बाजाबता तौर पर रोमानिया के हवाले कर दिया, यानी तुर्की ने कुल 11 ममालिक पर अपनी अमलदारी खो दी। इसके अलावा तुर्की 5 साल के लिए कानूनी मामलात पर 4 यूरोपी मशीरों को तैनात करने का भी पाबंद था। मशीरों को तुर्की में अदालती असलाहत का मुशाहदा करना था। इसके बाद तुर्की ने एक नए तुर्क आइन पर कायम किया और इस आइन का ऐलान किया, और जेरे बहस 5 साल मुकम्मल होने से कबल ही स्विस सिविल कोड, अतालवी फौजदारी कानून और जर्मन तजारती कानून को मिलाकर एक नया निजामे इंसाफ कायम किया। तो तुर्की इस मादे के खत्म होने पर क्या कर सकता है। मादे के खात्मे से तुर्की की इलाकाई बालादस्ती का दोबारा जन्म होगा, क्योंकि वो बहरा अस्वद और मशरकी बहरा रूम में फौजी मशकें करने के लिए आजाद होगा। यह मादा जिसकी मियाद जुलाई 2023 में खत्म हो रही है, तुर्की अपनी साबका खिलाफत और सुपर पावर बनने के ख्वाब के लिए राह हमवार कर सकता है। इसके अलावा तुर्की बहरा रूम में अपने साबका यूनानी जजायर को फतह कर सकता है जो इस मादे के तहत यूनान के हवाले किए गए थे। 2023 में 100 साल पुराने मादे की मियाद खत्म होने के साथ तुर्की एक नए दौर में दाखिल हो सकता है, क्योंकि वो तेल की खुदाई कर सकता है और बहरा अस्वद और बहरा मरमर के दरमियान एक नई बड़ी नहर बना सकता है ताकि बहरी जहाजों के गुजरने पर फीस वसूल की जा सके। सबसे बढ़कर तुर्की मक्का और मदीना पर दोबारा अपना कब्जा कायम करने की कोशिश करेगा ताकि आलम इस्लाम पर अपनी बालादस्ती कायम कर सके। 2023 में इस तारीखी मादे की मियाद खत्म होने के साथ साबका उस्मानी सल्तनत की बहाली के बारे में तुर्कों के मसलसल अजायम कभी खत्म नहीं हो सके, और तुर्क हमेशा से अपनी पुरानी शान शौकत और अजमत वापस चाहते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि तुर्की अपने मकासद के हसूल के लिए क्या करता है, और इसके सफारती जराए जहानत से काम लेंगे या मगरबी ताकतें अगले 100 सालों के लिए भी तुर्कों को दोबारा किसी और मादे में जकड़ देंगी। सबकी नजरें 2023 पर हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।